हिकविजन हो, धावा हो या सीपी प्लस हो, इन तीनों के अंदर सेल्स पर्सन रहता है। उसके अलावा टेक्निकल पर्सन भी रहता है। उस टेक्निकल पर्सन को पीवी स्विच की सारी नॉलेज पता रहती है। उसी नॉलेज को मैं आपको अभी देने वाला हूं, ताकि आप जो है हर साइट के ऊपर इस नॉलेज का इस्तेमाल करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। चलिए चलते हैं पावर ओवर इथरनेट के अंदर, यानी कि पीवी स्विच के अंदर या तो एक अपलिंक रहती है या दो अपलिंक रहती है। इसके अलावा भी उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी अपलिंक होगी। पीवी स्विच के अंदर तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक, पहला पावर बजट, पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, पीवी स्टैंडर्ड। इन तीनों चीजों को हिकविजन हो, धावा हो या सीपी प्लस हो, सबसे पहले पीवी स्विच के बारे में समझ लेते हैं। पीवी बजट के बारे में, पीवी बजट क्या होता है? अगर हमारा जो पीवी है वो 30 वाट दे रहा है, तो हर पोर्ट को वो अपनी पावर प्रोवाइड करेगा 7.5 वाट से। अगर हमने वहां पे चार कैमरा लिए हुए हैं 7.5 वाट के, तो वो पीवी की पूरी पावर को कंज्यूम करने लगता है। यानी कि 7.5 के हिसाब से चार कैमरा को अगर आप देखेंगे तो वो टोटल 30 वैट्स हो जाती है। जो 30 वैट होती है पीवी स्विच के, हमें पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? इसका मैं आंसर अभी देने वाला हूं। अगर मान लीजिए हमने वहां पे कैट 6 केबल का इस्तेमाल किया है, कैट 6 केबल के अंदर हमने वहां पे 90 मीटर की पूरी लेंथ वायर की इस्तेमाल किया है, तो वहां पे वायर में वोल्टेज ड्रॉप होगा 5.25% का। कैट 6 के अंदर मैं बात कर रहा हूं यहां पे। अगर आपने वहां पे कैमरा 7.5 का लिया है, अगर आपकी पीवी भी 7.5 वैट दे रही है, तो वहां पे जो है वोल्टेज 5.25% ड्रॉप होगा, वो वायर वहां तक पावर को नहीं पहुंचा पाएगी। तो इसके लिए वहां पे आपको 5 वाट का कैमरा लगाना है। अगर आपने कैट 5 का केबल का इस्तेमाल किया है, पावर वोल्टेज को ड्रॉप करेगी 7.5 के हिसाब से 90 मीटर के अंदर। अगर हमने वहां पे 50 मीटर का कैमरा लिया है, उसकी पावर कंज्यूमिंग 6 वाट की है, तो रात के वक्त अपनी आईआर एलईडी जब भी चालू कर देता है, तो वो पावर जो है बढ़ के 7.5 वाट के ऊपर आ जाती है। तो हमें इस चीज का पूरी तरह से ध्यान रखना है। अगर हमारा जो है पीटीजेड कैमरा है 25x वाला, तो वहां पे पावर जो है 15 वाट वो लेगा। उसके अलावा रोटेटिंग के लिए, मोटर के लिए 10 वाट लेगा, नाइट विजन के लिए यानी कि आईआर एलईडी के लिए 10 वाट लेगा। यानी कि टोटल जो है 30 वाट का पीटीजेड कैमरा हो जाता है। अभी जो मार्केट में कलर व्यू कैमरे आ रहे हैं वो 5 वाट पे काम करते हैं। रात की बात करें तो 2 से 5 वाट तक ज्यादा पावर को कंज्यूम करने लगता है, क्योंकि उसके एलईडी के लिए एक्स्ट्रा पावर जरूरत होती है। उसी तरह से डोम में भी होता है, डोम में भी फंक्शन सेम काम करता है। अगर आपका डोम ज्यादा का है तो ज्यादा काम करेगा, कम का है तो कम वाट पे काम करेगा। अगर आपका पीवी स्विच जो है 30 वैट बजट रखता है, वो अलग अलग पावर को डिवाइड कर देता है अपने पोर्ट के हिसाब से। अगर आपका 30 वैट का पीवी है, तो वो पावर जो है उन कैमरों के लिए कम पड़ेगी, तो आप जो है पीवी प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीवी प्लस के अंदर 120 वैट तक पावर होती है, और वह हर पोर्ट को 30 वैट डिवाइड कर देती है, यानी कि 30 वैट हर पोर्ट को अलग अलग देने लगती है, तो आपके वहां पे कैमरा सही तरीके से चल जाएंगे। अगर आपने 30 वैट का पीवी स्विच लिया है, तो आप वहां पे पूरी की पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते, 25 वैट ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पावर वहां पे वायर के अंदर और पीवी स्विच के अंदर काफी ज्यादा ड्रॉप होती है। इसकी वजह से अगर आपकी पावर उस कैमरे को सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, तो काफी सारी प्रॉब्लम उस कैमरे के साथ में आ सकती है, जैसे कि आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। हमने सीखा यहाँ पे पीवी बजट के बारे में कि पीवी बजट किस तरह से काम करता है। हम लोग अभी सीखने वाले हैं पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर किलोबाइट पर सेकेंड यानी कि KBPS स्पीड रहती है, और मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड रहती है यानी कि MBPS की, और गीगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड रहती है। इन तीनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे KBPS की स्पीड को लो से हाई, MBPS की स्पीड को हाई से, और GBPS की स्पीड को हाईएस्ट से यहाँ पे देने वाला हूँ। KBPS को येलो से, MBPS GBPS को रेड से कलर में दे देता हूँ। पहले समझते हैं किलोबाइट पर सेकेंड को। किलोबाइट पर सेकेंड के ऊपर बात करें, किलोबाइट पर सेकेंड के ऊपर अगर आपका कैमरा 2MP की रेजोल्यूशन दे रहा है, यानी कि 1080 पिक्सल के ऊपर काम कर रहा है, इसकी एनकोडिंग जो है S26 है, 4096 KBPS स्पीड आएगी, तो धावा पार्टनर ऐप में आप आराम से सर्च कर सकते हैं कि आप कैमरे कितने हैं और आप कितने मेगापिक्सल के कैमरे लगा रहे हैं, इसकी जो है एनकोडिंग की स्पीड क्या है, कितनी KBPS स्पीड ले रहा है और कितनी MBPS स्पीड लेगा।
हमने यहाँ पे सीखा KBPS की स्पीड को, यानी के लोएस्ट स्पीड को। तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड को, यानी के हाई स्पीड। अगर आपकी पीवी स्विच की स्पीड 10x100 Mbps की है, यानी के हर पोर्ट में 10x100 की स्पीड मिलेगी। अगर हमारा कैमरा 2MP का है तो उसकी स्पीड 2048 KBPS की रहेगी, यानी के 2.5 Mbps की स्पीड देगा। अगर हमारा कैमरा 3 to 4 MP का है तो उसकी स्पीड सेम कोडिंग के ऊपर सेम रहेगी, 2.5 Mbps की। अगर हमारा कैमरा 5 MP का है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी के 30 KBPS की होगी, यानी के Mbps से कैलकुलेट करेंगे तो 3.8 Mbps की होगी। अगर हम लोग 5 MP भी लेंगे 3.8 Mbps की, ये जो है 1 Mbps से टोटल 100 Mbps तक आपके पीवी स्विच सपोर्ट करता है, तो आपका आराम से कैमरा 5 MP का भी सपोर्ट कर लेगा। 100 Mbps हर एक पोर्ट को अलग अलग होता है, तो आप आराम से 100 Mbps तक कैमरा हर पोर्ट को लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने 10x100 की स्पीड ली है, हमने वहाँ पे 4 कैमरे लगाए हैं, वो हमने 2 MP का ही कैमरा लिया है, 2048 KBPS की स्पीड से रन हो रहे हैं, तो हमें जो है टोटल स्पीड 10 Mbps की मिलेगी। यानी कि 10 Mbps जो है इस पीवी स्विच को कंफर्टेबल होगा, क्योंकि ये 100 Mbps के अंदर आ रहा है। अगर हमारा वहाँ पे NVR 40 Mbps को सपोर्ट करता है, तो 10 Mbps को वो आराम से सपोर्ट कर लेगा, तो आपके कैमरे आराम से चलने लगेंगे। एक अपलिंक का पीवी स्विच होता है और वहाँ पे 2 अपलिंक भी हो सकते हैं। एक पीवी को 4 कैमरे दिए हैं, 10 Mbps, 12 Mbps, 8 Mbps और 12 Mbps से उसकी स्पीड जो है स्विच की 42 Mbps होगी, और उसको हमने आगे पीवी से कनेक्ट किया है तो उसकी स्पीड जो है 42 Mbps उस पीवी स्विच में चली जाएगी। और हमने वहाँ पर भी 10 Mbps के 3 कैमरे लगाए हुए हैं, तो टोटल Mbps हमारी 40+30 हो जाएगी, यानी कि 82 Mbps की स्पीड हो जाएगी। अगर वो हम लोग 60 Mbps की स्पीड में NVR में देंगे, तो वो उस NVR की स्पीड 82 Mbps की स्पीड को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे 60 Mbps का NVR होता है आपका, तो आपको जो है वहाँ पे प्रॉब्लम स्ट्रकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, या कैमरा बंद चालू होने की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आपको वहाँ पे 120 Mbps का NVR लगाना पड़ेगा, जो कि आपके कैमरा को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। अगर आपने पीवी स्विच के साथ में लैपटॉप को, डेस्कटॉप को या स्विच हो उससे लगाया है, तो वो आपकी Mbps की स्पीड को बढ़ा देता है। Mbps की स्पीड बढ़ने की वजह से वहाँ पे कैमरे भी स्ट्रक होने की प्रॉब्लम आ सकती है, या बंद चालू होने की प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर आपने और एक पीवी स्विच से इसको एक्सटेंड किया है, वहाँ पे 10 Mbps की स्पीड के 3 कैमरे उस पीवी स्विच से लगाए हुए हैं, तो 112 Mbps की स्पीड देने लगता है, यानी कि 100 Mbps से 112 Mbps ज्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे आपके कैमरे स्ट्रक होने के और प्रॉब्लम आ सकती है बंद चालू होने के। उसी तरह से 10x100x1000 में भी सेम होता है, 1000 वाला पीवी स्विच लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पीड उसकी ज्यादा होती है। अगर हमने वहाँ पे 10x100x1000 वाला पीवी स्विच लिया है, तो उसकी स्पीड भी सेम कैलकुलेट होगी हर पोर्ट के साथ में। वहाँ पे हम लोग PTZ कैमरा हो, वेरीफोकल कैमरा हो, या कलर व्यू कैमरा हो, जो 5 MP से ज्यादा होते हैं, तो आप आराम से वहाँ पे उसको लगा सकते। अगर आप पीवी से पीवी स्विच को एक्सटेंड कर रहे हैं, लेंथ उसकी ज्यादा है कैट 6 के अंदर, तो आप वहाँ पे फाइबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सीखा यहाँ पे पावर बजट का और पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन का। अभी हम लोग सीखने वाले हैं पीयूई स्टैंडर्ड के बारे में। पीयूई स्टैंडर्ड जो है 3 बेसिस के ऊपर काम करती है, IEEE 802.3AF के ऊपर, IEEE 802.380 के ऊपर, और जो है IEEE 802.3BT के ऊपर। इनको सीखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हर पोर्ट को 15W पावर डिवाइड होती है, 10x100x की स्पीड दी जाती है। सेकेंड स्टैंडर्ड में हर पोर्ट को 30W पर पोर्ट दी जाती है, और वहाँ पे 10x100x1000 की स्पीड डिवाइड होती है। वहाँ पे आपको थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर टाइप 3 के अंदर 60W पर पोर्ट देखने के मिलता है, टाइप 4 में 100W पर पोर्ट देखने के लिए मिलता है। इसको भी हम लोग 10x100x1000 से ही कैलकुलेट करेंगे। ये जो है स्टैंडर्ड काफी ज्यादा जो है प्रोजेक्ट सीरीज में काम आती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग आराम से 2 to 5 MP कैमरा लगा सकते हैं, IP टेलीफोन लगा सकते हैं, अटेंडेंस मशीन लगा सकते हैं। बस वहाँ पे आपको पावर का ध्यान रखना होता है कि आपके पावर कितनी जा रही है। ऑप्शन के अंदर आपको जो है PTZ कैमरा 30W का लगा सकते हैं, और वेरीफोकल कैमरा भी लगा सकते हैं। थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर 4K कैमरा, PTZ कैमरा लगा सकते हैं, 30W to 100W तक हम लोग कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं पावर के अंदर। वहाँ पे 4K के अंदर वेरीफोकल कैमरा भी लगा सकते हैं 60 to 100W का। फर्स्ट स्टैंडर्ड को PUE कहते हैं, सेकेंड को PUE+ कहते हैं, और थर्ड को PUE++ और
4 PPUE भी कहते हैं। अगर आपका PUE 10 बार 100 पे रन हो रहा है तो 10 बार 100 बार 1000 वाला PUE लगाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपको चल जाएगा। अगर आपका जो है साइड के ऊपर कैमरा पूरी तरह से नहीं चल रहा है, अगर आपकी वहाँ पे 90 मीटर की लेंथ है वायर की या उससे भी कम है, पावर ड्रॉप हो रहा है, बंद चालू हो रहा है कैमरा क्योंकि वो पावर पूरी तरह से PUE नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे आप पावर के लिए अडैप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके अलावा PUE इंजेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पे PUE एक्सटेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से कैमरा को सही तरीके से चलाने के लिए काफी ज्यादा काम आते हैं। अगर आपके कैमराज बंद चालू बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आपको प्रॉपरली उस PUE का पावर चेक करना है, PUE का पावर एंड में चेक करना है उस वायर की लेंथ के। आपको टोटल ही देखना है कि आपके वायर की PUE का जो पावर है वो ड्रॉप हो रहा है या नहीं। अगर आपकी वायर में पावर ड्रॉप हो रहा है तो सिंपल में समझ जाइए कि उसका स्पीड भी वहां पे ड्रॉप हो जाएगी। काफी ज्यादा मार्केट में टूल्स अवेलेबल है इन पोर्ट की पावर को चेक करने के लिए, कहीं पर से भी बाय कर सकते हैं और इन पोर्ट को आराम से आप चेक कर सकते हैं। इन टूल्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप जो है इन टूल्स को बाय कर सकते हैं। इस टॉपिक के रिलेटेड समझाने की बात यह है कि PUE किस तरह से काम करती है और आपको साइट के ऊपर किस तरह से काम करना है। इसी तरह से आने वाले दिनों के अंदर मैं IP के बारे में आपको बता रहा हूँ कि IP किस तरह से काम होती है IP कैमरा के अंदर और IP को किस तरह से कॉन्फिगर किया जाता है। इस सभी की सभी नॉलेज मैं एक ही वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। ये टॉपिक जो है मैंने आप तक लेकर आया है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज हो रही है तो आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर मैं काफी सारे वीडियोस आपको देने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।